गुड मॉर्निंग भाई सारे भाई ना, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए ब्लॉग में भाई करता हूँ बहुत स्वागत। आज तारीख हो गई है 25 जुलाई 2023, टाइम है सुबह के 7:25 और जैसा आपको बताइए पहले से ही कल ही मैंने आपको बता दिया था, आज मेरी बुकिंग है दिल्ली से सफीदों अप एंड डाउन की बुकिंग है भाई। और अभी मैं हूँ गोल मार्केट के आसपास, मैंने अभी बच्चे को छोड़ा है स्कूल और मैं पहुंच रहा हूँ एयरपोर्ट। 8:15 पे सर की फ्लाइट होगी लैंड और करीब 10-15 उनको बाहर आने में लगेंगे, तो ये मान गया चलो 8:30 का है मेरा पिकअप और मैं पहुंच रहा हूँ अभी टर्मिनल 3। मगर उससे पहले अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है रोड पे और मैं पहुंच जाता हूँ जल्दी थोड़ा, तो मैं कराऊंगा गाड़ी साफ, क्योंकि गाड़ी भाई बाहर से हो रही है बहुत ज्यादा खराब। अगर टाइम बचता है तो गाड़ी होगी पहले साफ, उसके बाद पिकअप करके निकलेंगे भाई। जहां जहां पैसेंजर जाएंगे और कहां कहां जाएंगे हर चीज के बारे में करूंगा आपको अपडेट, तो बने रहना भाई इस ब्लॉग में आपको आखिर तक। और एक आउट सेशन ट्रिप कैसे कंप्लीट करनी है, कौन कौन सा टोल टैक्स स्टेट टैक्स पार्किंग जो भी लगेगा सब कुछ करूंगा आपको अपडेट, तो बने रहना है व्लॉग में आखिर तक। तो शुरुआत करता हूं आज के अपने दिन की बजरंग बली का नाम लेके, क्योंकि आज है मंगलवार और भगवान का तो कोई दिन होता नहीं, हर रोज ही उन्हीं का दिन है, मगर फिर भी हम भाई मानते हैं दिनों के हिसाब से भगवानों को। तो जय बजरंग बली की, करते हैं शुरुआत आज के अपने दिन की। भाई मैं पहुंच गया हूं टर्मिनल 1 के पास, गाड़ी हो रही है अपनी साफ। जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि टाइम पे पहुंच गया, तो मैं आ गया था भाई 7:45 पे ही, और अभी 8:05 हो गए हैं। 20 मिनट से लड़का लगा हुआ है इसमें और बस अभी फाइनल टच देने वाला है, उसके बाद भाई मैं पहुँच जाऊँगा टर्मिनल 3 पे और करूँगा पिकअप। बताऊँगा आप भाइयों को सारे, शायद दो दो दिन में कार्रवाई होंगी, तो ऐसे ही आखिर तक देखते रहना है भाई ब्लॉग को। तो मिलते हैं पिकअप करने पर। भाई पार्किंग में गया हूँ, पहुँच पैसेंजर भी आ चुके हैं, सिर्फ वेट है कब तक आते हैं, तो लेकर निकलेंगे भाई जहाँ भी जाएंगे। शायद दिल्ली में भी एक दो जगह जाना है और फिर हरियाणा जाना होगा, तो बताऊंगा भाई आपको, करूँगा अपडेट। तो भाई पैसेंजर को पिकअप करके मैं आ गया हूँ मालचा मार्ग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन भारत सरकार। तो यहाँ पे सर को कोई काम है, 3 पैसेंजर हैं भाई, और यहाँ करीब बोल रहे हैं आधा घंटे के आसपास लगेगा। टाइम अभी 9:25 हो गए हैं और उसके बाद निकलेंगे भाई सफीदों, पानीपत के पास है, तो चलेंगे देखेंगे भाई। पिकअप तो हो ही गया है और उसके जब तक सर का यहाँ पे काम होगा ऑफिस में, जब तक मैं ले लेता हूँ भाई CNG, वो भी है आधी टंकी से तो ज़्यादा ही है वो, मगर ले लेते हैं, नहीं तो हरियाणा में भाई फिर महंगी लेनी पड़ेगी। दिल्ली में है CNG सस्ती, कई रुपए का 7-8 रुपए का फ़र्क है, 90 रुपए के आसपास हरियाणा में है और 73 दिल्ली में है। तो भाई मैं हूँ अशोका होटल के पास, जो CNG पंप है वहाँ पे CNG ले लेते हैं, फिर पहुँच जाएंगे वापस सर को पिकअप करने के लिए। जैसे ही कॉल आ जाएगा तो निकलेंगे भाई सफीदों के लिए। Thank you.
आ गए हैं, सफीदों पहुंच गए हैं। इस सर को ड्रॉप करके भाई सीएनजी ढूंढूंगा मैं, क्योंकि सीएनजी हो गई है खत्म और 7 से 8 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है पेट्रोल पे। भाई मालचा मार्ग से निकल के पहुंच गए हैं सफीदो, वाया मुरथल पानीपत से पहले ही लेफ्ट कट गए थे भाई, महम रोड से होते हुए और पता नहीं कौन कौन से गांव के अंदर से निकलते हुए भाई पहुंच गए हैं सफीदो। रास्ता तो आपने देखे ही, एकदम जंगल टाइप, और जब पहुंचने वाले थे तो टूटा हुआ रास्ता भी भाई मिले, तो भाई पहुंच गए हैं। 1 बज गया है अभी यहाँ पे, और ये पीछे कंपनी है, वाइट कलर की बिल्डिंग है, ये कोई कंपनी है जहाँ पे सर आए हैं अहमदाबाद से। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई सीएनजी लेने के लिए, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है कोई, पहले सीएनजी ले लेता हूँ क्योंकि 8-10 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है पेट्रोल पे, और 8-10 किलोमीटर अभी ये तो सीएनजी पंप शो कर रहा है वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो भाई पहले सीएनजी ले लेते हैं। और अभी तक इसमें भाई 2 टोल पड़े हैं, एक तो मुरथल वाला और एक टोल पड़ा है गोआने रोड पे था, सोनीपत से पानीपत से जब लेफ्ट होते हैं गोआने की तरफ तो एक टोल था वहाँ पे, 65 का एक टोल था और 95 रुपये का एक टोल था, एक स्टेट टैक्स है इसमें हरियाणा का। अभी तक गाड़ी मेरी चल चुकी है करीब 220 किलोमीटर के आसपास टोटल, क्योंकि एयरपोर्ट से पहले मालचा मार्ग गए थे, मालचा मार्ग से फिर चाय पानी पीने के लिए गए थे कहीं पर, और उसके बाद वाया मुरथल होते हुए पहुँच गए हैं सफीदो। तो और यहाँ से वापसी में भी करीब 160 किलोमीटर के आसपास मुझे शो कर रहा है, यानी कि 400 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलने की उम्मीद है आज। बाकी जैसा जो कुछ भी होगा तो आपको तो बताता ही रहूँगा मैं, अभी देखते हैं भाई कितनी देर में पैसेंजर आते हैं, 1 घंटे का बोला है बाहर आने के लिए, अभी 1 बज गया है, देखते हैं कितने बजे आएंगे। जब तक मेरा काम भी हो जाएगा मैं भी सीएनजी ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद करेंगे बात भाई आगे की, जैसे जैसे जो जो कार्रवाई होती है तो मिल करेंगे बीच बीच में आपसे। भाई पहुंच रहा हूँ सीएनजी पंप, और रास्ता देखो भाई ज़बरदस्त, एकदम एक सिंगल गाड़ी का रूट है और जंगल के बीच से। भाई 1 बज गया है और मैं पहुंच गया हूँ सफीदो, सफीदो ड्रॉप करके पैसेंजर को मैं आया हूँ सीएनजी लेने के लिए। पीछे आपका कौन सा है, आफताबगढ़ विलेज सफीदो, यहाँ पे भाई सीएनजी पंप मिला है जिसमें 90 रुपये सीएनजी का रेट है। और बस अभी करते हैं बात, एक बार सीएनजी ले लेते हैं भाई, ट्रिप में क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। भाई 821 रुपये की सीएनजी आई है, रेट है 90 रुपये। भाई ये सीएनजी पंप है, कभी सफीदो आना पड़े तो यहाँ पे सीएनजी मिलती है, आफताबगढ़ सफीदो जींद रोड पे है भाई। पहली बार आज जल्दी पहुंचे होंगे, 15-20 मिनट पहले नहीं तो हमेशा टाइम पड़ता है। ठीक है सर, भाई एयरपोर्ट छोड़ दिया पैसेंजर को, ये जा रहे हैं अपने पैसेंजर। और भाई भागम भाग में हुआ है ड्रॉप एकदम, करता हूँ बात पहले यहाँ से निकल लेते हैं, ना तो यहाँ खड़े रहते हैं यार चलान काटने वाले, करते हैं बात अभी। तो भाई मेरा ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का टर्मिनल 3 पे, जो मैं बुकिंग लेके गया था यहीं से सुबह सफीदों हरियाणा के लिए, तो उसमें भाई गाड़ी मेरी चली 370 किलोमीटर और ड्रॉप मैंने कर दिया है, पार्किंग टोल स्टेट टैक्स जोड़ के 900 रुपये के आसपास लगा है टोटल, और बिल पूरा क्लियर हो गया है। और भाई अभी मैं निकल चुका हूँ टर्मिनल 3 से, मैं पहुँच रहा हूँ भाई टर्मिनल 1, क्योंकि अगला पिकअप है मेरा 7 बजे का और 6:45 हो गए हैं, अभी मैं रास्ते में था तभी ये मेरे पास बुकिंग आ गई थी, तो 7 बजे से का पिकअप करके मुझे दिल्ली में ही कहीं ड्रॉप करना है, तो भाई टर्मिनल 1 पहुंचता हूं, वहां पहुंच के करते हैं बात आराम से गाड़ी रोक के, तो पहले पहुंचते हैं भाई टर्मिनल 1 फिर करते हैं बातें।
भाई पहुंच गया हूँ टर्मिनल वन। टर्मिनल वन से पिकअप है 7 बजे और 7 बज गए हैं। पैसेंजर का जैसे ही कॉल आता है जाके अंदर करते हैं पिकअप और ड्रॉप करूँगा तिमारपुर में। तो इस वाली बुकिंग का और जो दिन में बुकिंग का टोटल जो लेखा जोखा था, टोटल जो खर्चा बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको ब्लॉग के एंड में। शायद 9 बजे के आसपास मैं फ्री हो पाऊँगा अगर अभी पिकअप हो जाता है तो। बाकी करते हैं बात भाई कहाँ से कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी तक तो तिमारपुर की सूचना है अपने को टर्मिनल वन से पिकअप करके, और फिर करते हैं भाई बात इस बारे में ड्यूटी का एंड होने के बाद। भाई टर्मिनल वन से पिकअप करके आ गया हूँ मैं तालकटोरा स्टेडियम के पास। तो भी पीछे साहब को चाय वगैरह पीनी थी तो भाई यहाँ पे मैंने रोक दिया है चाय की दुकान पे, और पहुँचेंगे अभी तिमारपुर DRDO गेस्ट हाउस। तो वहाँ पे ड्रॉप करके बताऊँगा दोनों बुकिंग के बारे में। जब तक भाई सारा दिन से लग रहे हो देखने के लिए तो थोड़ी देर और सही, बस यहाँ से 30 मिनट में मेरा हो रहा है ड्रॉप। फिर करते हैं भाई बात, फिर करेंगे भाई बात, अभी चाय ले लेते हैं पहले। एक मिनट रुकेगा मैं। हाँ हाँ पता कर लीजिए। भाई पहुंच गया हूँ DRDO गेस्ट हाउस नियर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। अभी पता करने गए हैं सर कहीं दूसरा तो नहीं है, तो जैसे ही आते हैं तो भाई बताता हूँ आपको। एंड हो जाएगा ट्रिप का अगर यही होगा तो।